बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सीएसई का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। और मैं हूं मोहम्मद इरफान। तो आज हम बात करेंगे कि JW201 फॉर्म और 202 फॉर्म, ये क्या चीज़ है, क्या बला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वो वीज़ा हमें खुद लगा के मतलब कि वीज़ा भेजेंगे, क्या भेजेंगे, क्या हिसाब किताब होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि JW201 फॉर्म क्या है, 202 फॉर्म क्या है, ये JW फॉर्म है क्या चीज़। असल में ये है कि ये वीज़ा फॉर्म होते हैं, मतलब कि वो जो फॉर्म भेजते हैं आपको, उस पर एक नंबर होता है जो उनकी एजुकेशन अथॉरिटी से अप्रूव होता है, मतलब कि ये स्टूडेंट है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है और ये इसका एक नंबर, एक उस पर मखसूस नंबर लिखा होता है। तो वो जो होता है उसके साथ आपका, उसी नंबर के साथ आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगता है, वो सिर्फ आपको फॉर्म भेजते हैं। अब ये वन क्या फॉर्म है और टू क्या फॉर्म, JW201 फॉर्म क्या है और 202 फॉर्म क्या है, JW201 किसको मिलता है और टू किसको मिलता है, इस पे हम अब तो बात करेंगे। JW201 फॉर्म जो होता है 201 जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है CSE स्कॉलरशिप जो होती है ना, फुली फंडेड जो होती है, वो CSE स्कॉलरशिप की तरफ से होता है। JW201 फॉर्म जो JW202 फॉर्म होता है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए होता है, खा वो कौन सी कोई स्कॉलरशिप भी हो, वो आई थिंक वो सेल्फ के लिए जो होता है, जो सेल्फ पे पढ़ने जाते हैं वो सारी चीज़ें, और जो जिनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप मिलती है या एस सच और कोई स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनको JW201 फॉर्म दिया जाता है। मतलब क्या मतलब JW201 फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ पे जा रहे हैं या आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो आपके वो सब चीज़ उस पर मैंशन होती है कि इतनी स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। और इसका ये मतलब कि मेन अब फर्क ये है कि जिसको CSE स्कॉलरशिप मिलेगी उसको JW201 फॉर्म मिलेगा, मतलब वीज़ा फॉर्म मिलेगा उस पे, और उसका ये होता है कि जब आप वीज़ा लगवाने जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आती। हाँ, ये अलग बात है कि वीज़ा ना लगे, वो क्यों ना लगे, वो एक अलग चीज़ है। मुझे जो रिसीव हुआ था वो JW201 फॉर्म था और इसे जो रिसीव हुआ था वो JW202 फॉर्म था। तो वो ये मतलब मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, इसकी CSE स्कॉलरशिप थी। तो जो CSE स्कॉलरशिप होता है का स्टूडेंट जिसको अलाट होती है, वो JW202 फॉर्म मिलता है, 201 सॉरी, तो उसको एक जहरी ऑफिस होता है, मतलब जो है वहाँ से पता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आया कि उसका डाटा आया है या नहीं आया, मतलब ये अलग बहस है कि इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो मेन मकसद ये कि वन फॉर्म और टू फॉर्म का आपको पता चल गया कि एक वीज़ा फॉर्म होते हैं। बाकी अगर आप किसी प्रोविजनल स्कॉलरशिप, ये भी नहीं है कि अगर आपका JW202 फॉर्म है इसका मतलब ये कि आपकी स्कॉलरशिप अच्छी नहीं है, मतलब कि वो CSE का स्टैंडर्ड जितना है वो उतनी नहीं है, ये नहीं। कई प्रोविजनल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऐसी भी होती हैं जो 3500, 3800, 4000 RMP तक भी मंथली मिलती हैं PhD वाले स्टूडेंट्स को। तो ये लाजमी नहीं है कि JW201 फॉर्म ही हो तो आपको आपका आपकी फुल स्कॉलरशिप है, बाकी सारी चीज़ें JW202 में फुल नहीं आती, ये गलत आपकी अगर आप सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूँ तो ये ठीक नहीं। और स्टूडेंट जो होते पूछ रहे होते हैं कि मतलब कि ना हमें वहाँ से सिर्फ क्या एक ही फॉर्म आएगा एट ए टाइम एम्बेसी में, तो नहीं, अगर आपकी स्कॉलरशिप मान लो कि 4 या 5 यूनिवर्सिटियों में लगती है, ठीक है, CSE का तो सिर्फ एक ही फॉर्म आएगा अगर आपकी लगती है, चाहे जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, CSE आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज आपको डिफरेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप अगर लग सकती है, लगे अल्लाह करे सबकी लगे, तो वो जितनी यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप लगेगी उतने फॉर्म ही आपके पास आएंगे। अब ये होता है कि क्या सिर्फ एक फॉर्म होता है, वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वो कितने होते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती हैं। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स आए थे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें क्या क्या था, वो मैं अपलोड करूँगा कभी किसी दिन ढूंढ के वो भी अपलोड। तो वो उसमें 3 फॉर्म होते हैं मेल में, मोस्टली होते हैं वो 2 फॉर्म होते हैं, एक JW201 फॉर्म या 202 जो होता है, एक एडमिशन नोटिस होता है। मेन चीज़ एडमिशन नोटिस भी काफ़ी मैटर करता है, इसके बारे में एक अलग डिस्कशन है, वो हम आपको आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। वो एक एडमिशन नोटिस होता है और इसके साथ एक और कोई भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन का फॉर्म होता है कि आपके कैसे करना है, आपने यहाँ आपने पहले डॉर्मेट्री वगैरह का अगर कोई सीन है वो सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है, ठीक हो गया। तो इस पे एक बात और वीडियो, फिलहाल तो हमारा मकसद ये था कि JW201 और 202 फॉर्म के असल में है क्या गेम, इसके बाद हम एक मजीद जो है ना जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थी। अब एक और सवाल भी आता है जहन में कि क्या हम एक ही हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब या हमें JW201 फॉर्म भेजेंगे या 202 फॉर्म भेजेंगे, इनमें से एक भेजेंगे, या हमें दोनों भेज सकते हैं, मतलब कि हमें अगर एट अ टाइम एक ही साल में
एक यूनिवर्सिटी में से हमें सी एस स्कॉलरशिप मिली, दूसरी यूनिवर्सिटी से हमें प्रोविजनल स्कॉलरशिप मिली, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली, या कोई और स्कॉलरशिप जो भी है वो मिली, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। सी एस सी आपको सिर्फ एक मिलेगी, यूनिवर्सिटी आपको तीन चार यूनिवर्सिटी से आपकी सिलेक्शन हो सकती है, और तो वो तीन चार यूनिवर्सिटी जितनी भी सिलेक्ट करेंगी वो आपको वीज़ा फॉर्म भेज सकती हैं, JEE 201 या 2 जो भी है। तो वो इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि जितनी यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उतनी आपको फॉर्म रिसीव हो सकते हैं। फॉर्म वही फॉर्म कह रहा हूँ, मतलब JEE वीज़ा फॉर्म जो भी है वो आपको रिसीव होंगे। होप सो ये सारी चीज़ें आपके, क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए मकसूद था कि आने वाले दिनों में इसकी काफ़ी सारी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूछ भी रहे थे इसके बारे में, हमें इसकी समझ नहीं आ रही है क्या बला है क्या चीज़, क्योंकि शुरू शुरू में जब बंदा होता है बंदे को नहीं पता होता, हमें खुद नहीं पता था कि ये JEE 201 फॉर्म क्या है, या JEE 201 नंबर जो चीज़ें कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो आप होप्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।